ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। देश भर में विजयादशमी की धूम, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार। आज बुराई का प्रतीक रावण चलेगा। जो आज विजयादशमी है और विजयादशमी के मौके पर कई जगहों पर रावण दहन की तैयारी की गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जीत का यह त्यौहार विजयादशमी के रूप में आज बुराई का प्रतीक रावण चलेगा और उसकी तैयारी भी जोर शोर से हुई है। लोगों में भी काफी उत्साह रहता है जहां पर बड़े से मैदान में वो पहुंचते हैं और अलग अलग जगहों पर बड़ी तैयारी, भव्य तैयारी होती है जहां जिला प्रशासन भी अपनी भूमिका निभाता है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी रावण दहन किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो आज बुराई का प्रतीक रावण को जलाया जाएगा और एक संदेश कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। और चलिए गौरव और शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ रहे हैं। गौरव रांची से जुड़े हैं तो शैलेंद्र पटना से। शैलेंद्र सबसे पहले आपके पास आते हैं। आज विजयादशमी और बुराई पर अच्छाई की प्रतीक के दिन के तौर पर भी यह दिन आज मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ अब कह सकते हैं कि विदाई का भी वक्त है माँ का, तो किस तरीके से जो आखिरी दौर की पूजा अर्चना है वो की जा रही है? शैलेंद्र विजयादशमी को लेकर के किस तरीके की पूजा पाठ पंडालों में, इसके साथ साथ रावण दहन की कैसी तैयारी? शैलेंद्र आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त आप पटना में मौजूद हैं, ऐसे में दशहरा का मौका है, रावण दहन आज होना है, तो क्या कुछ तैयारी की गई है क्योंकि शाम में काफी ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने वाली है? शैलेंद्र बिल्कुल, देखिए सुबह से ही हम सड़कों की जो तस्वीर दिखा रहे हैं पटना की, देखिए सुबह से ही यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है और पटना के गांधी मैदान में रावण दहन होना है। और ये सुबह में जो पंडाल में देखिए, ये डाकबंगला चौराहा का ये पंडाल है, यहाँ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, कितने बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। शाम में अमूमन यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन इस वक्त सुबह का वक्त है और देखिए यहाँ पर, और देखिए आज माता की विदाई का भी वक्त होता है, कभी काफ़ी भावुक पल होता है। क्या तैयारी है विसर्जन की आप लोगों के यहाँ? विसर्जन में सर्वप्रथम अभी तो पूजा होगा, पूजा अर्चना होगा ब्राह्मणों के द्वारा, जो हमारे पुरोहित हैं उनके पूजा के विसर्जन के बाद, पूजा का विसर्जन होने के बाद जो है दशमी का पूजा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का कल विसर्जन होने का ये तैयारी है। और आज जो है रावण वध से देखे, आज भी मेला हमारे यहाँ इतना गैदरिंग होगा, भीड़ होगा और सब पूजा करेंगे कि पटना वासी धन्य हो जाएंगे। डाक बंगला दुर्गा पूजा समिति के द्वारा ये जो तैयारी है वो बहुत सराहनीय और सबका ध्यान रख के किया गया है, और खान पान वगैरह वगैरह मेला ठेला सब इत्यादि का जो है बिल्कुल देखिए पूरी तैयारी होती है। और हम तस्वीर के जरिए दिखा रहे, देखिए छोटे बच्चे भी सुबह सुबह घूमने यहाँ पर निकले हैं और तमाम लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। सुबह में ही घूमने निकले कि शाम में भी निकले थे? शाम में भी निकले थे। सुबह में भी कोई मौका छोड़ना नहीं है? नहीं। तो देखिए बच्चे यहाँ पर अपने परिवार के साथ, आप लोग भी सुबह सुबह माता का दर्शन कर? नहीं, शाम में भी आए थे, सुबह में भी आए थे। सुबह में क्रश कम रहता है तो अच्छे से माता रानी का दर्शन हो जाता है। तो बिल्कुल देखिए इस एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरह शाम में काफी भीड़ होती है सड़कों पर, लोग मेला का एक बड़ा सा कहीं कहीं दृश्य होता है, सिर्फ जहां तक नजरें जाती हैं लोग ही बिल्कुल शैलेंद्र, और हम देख पा रहे हैं कि भक्तों में कितना उत्साह है इस वक्त। अब डाक बंगला चौराहे पे मौजूद है, देखिए हमारे साथ गौरव भी जुड़े हुए हैं, रांची से हैं। सबसे पहले गौरव ये जानना चाहूंगी कि आप कहाँ पे हैं इस वक्त और वहाँ पे कैसा माहौल है, कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है और क्या